क्षेत्रीय खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल आवाज 85 को और हर नए वीडियो को तुरंत देखने के लिए घंटी के निशान वाले बटन को दबा दें। धन्यवाद। सभी प्रखंडवासियों को मेरे तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस कोरोना काल में सेफ रहें, घर में रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क जरूर पहने यदि आप बाहर निकलते हैं। धन्यवाद। TET/STET उत्तीर्ण शिक्षक संघ प्रखंड इकाई दिनारा की तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर शुभकामनाएँ। ये वर्ष संकल्प का वर्ष है। इस वर्ष हम सभी शिक्षकों को यह संकल्प लेना है कि अपने देश को इस महामारी से बचाना है और इस महामारी से बचाने के लिए हमें अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार रहना है ताकि हमारा समाज, हमारा देश इस महामारी से बच सके। आइए इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे हम सभी संकल्प लें कि हमारा देश जल्द से जल्द कोरोना से मुक्त हो। जय हिंद, जय आर्यावर्त। पैक्स अध्यक्ष राजू सिंह, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर समौती पंचायत के सभी गार्जियन युवा साथियों को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं बधाई देता हूं और साथ ही दिनारा विधानसभा के सभी गार्जियन युवा साथियों को मैं बधाई देता हूं और राज्य के और देश के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं बधाई देता हूं। हम स्वतंत्रता दिवस के मौके पर संदेश यही देना चाहेंगे कि जिस आज़ादी के लिए भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और तमाम लोग जो शहीद लोग हुए, उन शहीदों का सपना पूरा हुआ, देश आज़ाद हुआ, लेकिन अभी भी गरीब लोग आज़ाद नहीं हैं। हम यही संदेश देना चाहते हैं कि आज जो 15 अगस्त मनाने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री पीएम, उप प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, बिहार के मुखिया, ये तमाम लोगों को हम यही चाहेंगे कि आज शपथ लें, कल 15 अगस्त को शपथ लें कि हम सही ज़मीन पर आज़ादी को उतारेंगे, गरीबों के घर घर में आज़ादी उतरेगी। हमारा यही संदेश है कि सही आज़ादी गरीबों को जो अभी नहीं मिला है, अभी भी गुलाम हैं गरीब, उनको सही आज़ादी मिले, उनको भोजन, वस्त्र, शिक्षा और आवास की बेहतर व्यवस्था की जाए। इस आज़ादी के 73 बरस के बाद भी बहुत सारे लोग भूखे नंगे हैं, रोड पर बसे हुए हैं, गरीबों को बसने का और गरीब बहुत गरीब हैं, शौचालय का व्यवस्था नहीं है। उन अगर शौचालय बनाते हैं गरीब लोग, सरकारी अगर मिलता है व्यवस्था बनाने का, तो गांव के सामंती लोग उनको रोक देते हैं, लगता है कि अभी वो आज़ाद नहीं हैं, बिहार सरकार ज़मीन पर रोक देते हैं। तो हम यही आज चाहेंगे कि 15 अगस्त आज 2000 का ये 15 अगस्त का झंडा तोलन और ये शपथ हो कि सही ज़मीन पर आज़ादी उतरे। इन्हीं बातों के साथ हम तमाम जनता के साथ हम आज़ादी की शुभकामना करते हुए कि आज़ादी भगत सिंह के सपनों का भारत बने और भगत सिंह के सपनों का भारत ज़मीन पर उतरे। भारत भगत सिंह के सपनों का भारत, शिक्षा का बेहतर व्यवस्था हो, स्वास्थ्य का बेहतर व्यवस्था हो, ये हम चाहेंगे। तमाम लोगों को, तमाम गरीबों को रहने का रोज़गार मिले।
रोजगार का व्यवस्था हो, उनको उचित मजदूरी मिले, इस आज़ाद भारत में वो भी खुला श्वास लेकर जीने के अधिकारी बने। तमाम लोगों को आज़ादी के बाद अधिकार मिला है तो उनको भी अधिकारी मिलना चाहिए, वोट देने का स्वतंत्र रूप से अधिकार मिलना चाहिए, इसमें कोताही बेईमानी नहीं होना चाहिए। आज 15 अगस्त को 2020 को संकल्प लेना चाहिए प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को और तमाम मंत्रियों को, तमाम विधायक सांसदों को कि सही आज़ाद भारत, सोने का चिड़िया जो कहा जाता था, वो भारत जमीन पर हो और तमाम देश, तमाम विश्व में भारत का स्थान एक नंबर पर हो, यही संकल्प करते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं। इनकलाब जिंदाबाद, भाकपा माले जिंदाबाद।